हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी वेट कर रहे थे न्यू रिक्रूटमेंट का, तो यस, आपके लिए है न्यू रिक्रूटमेंट, और वो है BIS, दैट मीन्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में। एंड ये है साइंटिस्ट बी की जॉब्स, एंड 150 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। एंड इसका प्रॉपर एड्रेस है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, न्यू दिल्ली 110002। तो जो रिक्रूटमेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी, एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं यहाँ पर 150। तो बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है जो साइंटिस्ट बी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। पैकेज अच्छा है, ऑनलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन है, 87,000 अप्रोक्सीमेट से स्टार्टिंग है। एंड देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या असेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पर, एंड कितनी पोस्ट हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल पोस्ट हैं 48, जिसमें से जनरल लोगों के लिए 17 हैं, OBC के लिए 15 हैं, SC के लिए 7, ST के लिए 4, EWS के लिए 5, एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के लिए है 25 टोटल पोस्ट, जिसमें से 9 जनरल के लिए है, 8 OBC के लिए है, SC के लिए 3 रिजर्व हैं, ST के लिए 1 एंड ST के लिए 2 एंड EWS के लिए 3। सिविल इंजीनियरिंग के लिए टोटल पोस्ट हैं, टोटल वैकेंसीज हैं 5 7, एंड जनरल के लिए हैं 2, OBC के लिए हैं 2, SC के लिए है 1, ST के लिए है 1, EWS के लिए भी 1 है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल वैकेंसीज हैं 19, जिसमें से जनरल के लिए हैं 6, OBC के लिए हैं 6, SC के लिए हैं 3, ST के लिए हैं 2, EWS के लिए 2। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग के लिए टोटल वैकेंसीज हैं 5, जिसमें से 2 वैकेंसीज हैं जनरल के लिए, 1 है OBC के लिए, 1 है SC के लिए एंड 1 है EWS के लिए। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 11 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 4 हैं जनरल के लिए एंड 4 है OBC के लिए, 1 है SC के लिए, 1 है ST के लिए एंड 1 है EWS के लिए। फूड टेक्नोलॉजी में टोटल पोस्ट हैं 14, जिसमें से 5 पोस्ट हैं जनरल के लिए, OBC के लिए हैं 4 एंड SC के लिए हैं 2, ST के लिए हैं 1 एंड EWS के लिए हैं 2। केमिकल इंजीनियरिंग में टोटल वैकेंसीज हैं 16, जिसमें से जनरल के लिए हैं 5, OBC के लिए हैं 6, SC के लिए 2, ST के लिए 1 एंड EWS के लिए 2। बायोटेक्नोलॉजी में टोटल वैकेंसी है 1 एंड ये जनरल के लिए है। पेट्रोल केमिकल इंजीनियरिंग में टोटल वैकेंसीज हैं 1 एंड ये जनरल के लिए हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में टोटल वैकेंसीज हैं 3 एंड 1 है जनरल के लिए, 1 OBC के लिए एंड 1 है SC के लिए। टोटल वैकेंसीज हैं 150, जिसमें से 53 वैकेंसीज हैं जनरल के लिए, 47 हैं OBC के लिए, 21 क्या है 21 है SC के लिए, 12 है ST के लिए और 17 है EWS के लिए। अब असेंशियल क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए? बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो बैचलर डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, एंड मार्क्स जो हैं 60% से कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा हो सकते हैं तो चल जाएंगे, तो कम नहीं होने चाहिए, एंड 50% SC और ST के लिए। हैविंग वैलिड गेट स्कोर ऑफ 2018-19-20, द गेट स्कोर मस्ट बी वैलिड एज ऑन 31 मार्च। तो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है, सॉरी गाइस, मेरे डॉगी ने थोड़ा सा शोर मचा दिया था। क्लोजिंग डेट जो एप्लीकेशन है वो है 31 मार्च, और जो गेट का जो स्कोर है वो 2018-19-20 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच करना चाहिए, और 31 तारीख तक उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। आउट ऑफ अबव 11 वैकेंसीज इंक्लूडिंग बैकलॉग आर रिजर्व्ड फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। अब जिनको बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए भी 11 वैकेंसीज जो हैं रिजर्व हैं। एज लिमिट है 21 से 30 ईयर्स। क्लोजिंग डेट भी एप्लीकेशन में 30 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स 31 मार्च तक मैक्सिमम एज आपकी 30 होनी चाहिए। रिलैक्सेशन एज जो है SC ST OBC persons with benchmark disabilities, ex-servicemen and departmental candidates of BIS is as per applicable rules.
जनरल के लिए 100 रुपीज़ फीस है, और एससी एसटी एक सर्विस स्पैन पर्सन और बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वुमेन कैंडिडेट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये एप्लीकेशन भरने की डेट है 2 मार्च से 31 मार्च तक। और अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो आप www.bis.gov.in पर जाकर देख सकते हो, एंड वहां पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। 2 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल हो चुकी हैं। तो आई डोंट थिंक कि अब कुछ रह गया है इसमें बताने के लिए, मैंने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ताकि मैं ऐसी वैकेंसीज की डिटेल आपके लिए लाती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप में से जो जो इस एप्लीकेशन के लिए, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।